हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। और आज की वीडियो रणनीति में आज आपको सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो गाइस बहुत बड़ी खुशखबरी है, गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 6400 से भी ज्यादा वैकेंसीज आईबीपीएस पीओ ने इस बार अनाउंस की है, जिसमें करीब 11 से 12 बैंक इंक्लूड है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले आईबीपीएस एग्जाम पीओ के एग्जाम के बारे में, जो कंप्लीट डिटेल जो आपको इस एग्जाम के लिए चाहिए, आपके फॉर्म फिलिंग से लेके एग्जाम डेट तक सभी इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, कट ऑफ है, वो सारी चीजें एग्जाम में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सोनू, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। चलो, अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6432 वैकेंसीज जो है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चली है। कुछ बैंक जो है वो उनकी वैकेंसी अभी नील है, मतलब वो चीजें अभी नहीं आई है, तो हो सकता है कि वैकेंसी और बढ़ सकती है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें यहाँ पे तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई है। कुछ लास्ट ईयर जो है कुछ 4100 समथिंग कुछ था, लेकिन इस बार 2000 ज्यादा वैकेंसी आई है। तो बहुत ही अच्छा मौका आप सभी लोगों के पास आया है। तो गाइस टोटल 11 जो भी हमारे नेशनल बैंक्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म फिलिंग वगैरह हो चुका है। तो गाइज आज 3 तारीख है, दैट मीन्स कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और आप भी जल्द से जल्द एग्जाम फॉर्म फिलिंग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें और अपने प्रिपरेशन में लग जाए। तो गाइज सुनो, अब हम बात करते हैं एज लिमिट जो क्राइटेरिया होगा बेसिकली वो क्या है। यानी कि मिनिमम 20 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, उससे नीचे के कैंडिडेट्स आप नहीं भर सकते हैं। और मैक्सिमम 30 इयर्स की एज के जो भी कैंडिडेट है वो एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो एज है, ये एज लिमिट है वो जनरल के लिए है, एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा आपको। तो ये सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे भी दिख जाएंगी, एज लिमिट क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, तो आपको बता दे गाइस 52,000 से 55,000 के बीच में आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी, हैंडसम अमाउंट आपको एक सैलरी के तौर पे मिलता है। सरकारी जॉब है, और क्या चाहिए सभी लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं गाइस, जो इस एग्जाम में रिलीज किया गया आईपीएस के थ्रू। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ चुका है 1 तारीख को, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 2 तारीख से, जो 22 अगस्त तक आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो एग्जाम की डेट है, प्रीलिम एग्जाम की डेट में आपको बता दूं 15, 16 और 22 अक्टूबर। गाइज अभी आपके पास आराम से 3-4 महीने का टाइम है एक अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन विद प्लानिंग करने के लिए। अगर आपने अभी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं भी की है तो भी आप अभी से शुरू कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी आईपीएस आरआरबी और आईपीएस क्लर्क, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बट अगर नहीं भी किया है, किसी को बाद में पता चला या फॉर्म फिल नहीं कर पाया और इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करके अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। 2 महीने काफी टाइम होते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो 2 महीने में आप एक उस स्पेस पे आ सकते हैं, उस स्टेज पे आ सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में स्कोर कर पाए। और चूंकि वैकेंसी जो है वो ज्यादा आई है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन उससे कम ही रहेगा। तो आप एक मान सकते हैं कि एक अच्छा मौका है सभी लोगों के पास, अच्छे से तैयारी कीजिए। 2 महीने का समय काफी होता है रिवीजन करने के लिए, कुछ ना कुछ तो आप सभी लोग पढ़ जरूर रहे होंगे। बिल्कुल। तो जो हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे थे गाइस, तो प्रीलिम की डेट आपको मैंने बता दी 15, 16 और 22 अक्टूबर। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में आ जाएगा, और आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो 26 नवंबर को। तो गाइस डेट आपकी बिल्कुल फिक्स है, आपके पास पता है कितना टाइम किस चीज के लिए बचा हुआ है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है वो जनवरी फेब 2023 में होगा, और इंटरव्यू होगा जनवरी फेब में। उसके बाद आपके जो अलॉटमेंट है या जो आपको बैंक मिलेगा वो अप्रैल तक फाइनली हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको 1 साल के अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा और आपके हाथ में जॉब होगी। नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसीज आना स्टार्ट होगा बैंक का, यानी कि जैसे एसबीआई आता है, आरआरबी आता है, फिर आईबीपीएस आता है, तो जैसे ही स्टार्ट होने से पहले ही अप्रैल तक आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। बिल्कुल, तब तक आपके पास एक जॉब होगी और आप ऑफिस जा रहे होंगे। तो गाइस अब बात करते हैं सोनू, जो 11 पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक्स, उनके थोड़ा पर्टिकुलर बताओ कि कितना कितना किस बैंक में वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस में है। जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना है कि जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी आई है वो 6432 वैकेंसीज अभी तक का नोटेड है कि हाँ इतना वैकेंसीज आया है। 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज जो है कुछ बैंक ने अभी रिलीज नहीं किया है, लेकिन जिसने भी किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, 11 बैंक्स हैं जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,
पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जिसकी वैकेंसी आई है मैं उसका एक बार बता रहा हूँ कि जिन्होंने वैकेंसी रिलीज किया है। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है 535 वैकेंसीज, उसके बाद कैनरा बैंक ने रिलीज किया 2500 वैकेंसीज। अभी तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसने रिलीज किया है वो है कैनरा बैंक। उसके बाद अगर हम बात करें तो 500 वैकेंसीज पंजाब नेशनल बैंक ने रिलीज किया है, 253 वैकेंसीज पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिलीज किया है, 550 वैकेंसीज यूको बैंक ने रिलीज किया है एंड 2094 वैकेंसीज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। यानी कि अभी तक अगर आप देखें तो 80% ऑफ द वैकेंसी जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक ने रिलीज किया है, 2500 एंड 2094 वैकेंसीज। यानी कि सिर्फ दो बैंक्स मिला के 4,500 से वैकेंसीज आपके पास है अवेलेबल है। तो गाइस एक बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसीज आई हैं, तो उसको प्लीज यूटिलाइज करो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे होगा एग्जाम। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दिया अभी तक एग्जाम उनको मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि गाइस बेसिकली तीन स्टेजेस में आपके एग्जाम्स होने हैं। पहला प्रीलिम एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड होगा, फिर मेंस एग्जाम वो भी ऑनलाइन होगा, और लास्ट आपका आता है इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो प्रीलिम की हम बात करें सोनू, तो प्रीलिम में तीन सेक्शंस हैं बेसिकली आपके पास। बिल्कुल, आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांट में और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आप सभी लोगों को, 100 मार्क्स का होगा। बिल्कुल, और टाइम सोनू 1 आवर यानी 20 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग यहां पे रखा गया है। सेक्शनल टाइमिंग हुआ दैट मींस कि अगर आपको 20 मिनट क्वांट के मिले हैं तो आप क्वांट पे सिर्फ 20 मिनट ही खर्च कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक घंटे में आपको तीन मिला तो अपने हिसाब से डिवाइड करो, टाइमिंग का डिविजन जो है वो क्लियरली बहुत सेक्शनल टाइमिंग है, तो उसमें कोई ज्यादा हेर फेर नहीं है, सबको क्लियर पता है कि 20-20 मिनट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक बार साथ में हम मेंस का भी पैटर्न बता दें। हाँ, कि क्या पैटर्न है मेंस एग्जामिनेशन का। प्री में तो तीन सब्जेक्ट आ रहे हैं आप सभी लोगों के पास, ठीक है। मेंस में आपके पास आएंगे 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ठीक है, DI डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, और फिफ्थ वन इज इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कि लेटर राइटिंग एंड एसेज होंगे। ये आपके 3 घंटे के पेपर होगा, ठीक है, 200 मार्क्स होगा। और जो मतलब सेक्शनल टाइमिंग भी है इसमें, तो सेक्शनल टाइमिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रीजनिंग के लिए 60 मिनट मिलते हैं पूरा, मतलब एक घंटा का समय मिलेगा आपको। इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स के लिए है, DI के लिए 45 मिनट्स है, यानी कि जो क्वांट का पोर्शन होगा बेसिकली। और उसके बाद GA का पोर्शन है कि जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं, और जो लेटर राइटिंग और ऐसे का पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में उसके लिए भी आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। यानी कि टोटल 3 आवर्स का पेपर आपका होगा मेंस के लिए, वो भी ऑनलाइन मोड में होगा। ओके, बेसिकली 3 आवर्स 30 मिनट्स हो जाएंगे फिर, ये आपके 3 आवर्स का टाइम आपको जो मिला है अलग से 30 मिनट्स का जो एसे राइटिंग और स्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। तो और नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी बता देते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखो कि कोई भी रैंडम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, श्योर शॉट हो उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि यार मैंने तो इतने कम क्वेश्चन किए हैं, क्या ही होगा, इससे बेटर है कि मैं तुक्के मार दूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर पेपर टफ है या आपने क्वेश्चन कम किया है तो गाइस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके कितने सही क्वेश्चन है, ये ज्यादा मैटर करता है। बैंक एग्जामिनेशन की सबसे खास बात ये है, बहुत बेहतरीन बात ये है कि अगर आप एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने अगर 60 क्वेश्चन किया है उसमें से 59 आपके करेक्ट हो रहे हैं या 60 करेक्ट हो रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स पॉजिटिव मार्क्स मिलता है। यानी कि अगर 60 मार्क्स का आपने बनाया है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का बनाया, 60 वो सही हो गया, तो आपको वहां पे 62 63 64 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, एडवांटेज है। तो सभी लोग एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करिएगा। अगर नेगेटिव जाएगा तो जब वो नॉर्मलाइजेशन होगा आपका मार्क्स बहुत नीचे चला जाएगा, अगर ज्यादा नेगेटिव आपने किया है तो, ठीक है। अच्छा गाइस, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता चल गई है, बाकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम लिंक में शेयर कर देंगे और स्क्रीन पे आपने सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो है सेकेंड फेज जो आता है, वो आपकी प्रिपरेशन है। उसके लिए आपको सिलेबस का पता होना जरूरी होना चाहिए। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो है आपको लास्ट ईयर के जो एनालिसिस है, exactly. कट ऑफ क्या था, या एनालिसिस लाइक किस टॉपिक से कितने पेपर कितने क्वेश्चंस वगैरह आए हैं या कैसा ट्रेंड रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एग्जाम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब आती है बारी आपके हमारे रिसर्च काम की कि हमें कितना एनालिसिस कर रहा है कि लास्ट ईयर का पेपर या ट्रेंड कैसा चल रहा है, कट ऑफ क्या रहा है। तो गाइस अगर हम कट ऑफ की सुनो बात करूं तो प्रीलिम्स में 50 to 51 50 50.5 जो मार्क्स था वो जनरल की मैं बात कर रहा हूं, जनरल की हम एग्जाम्स अभी जनरल के चीजों को डेटा को लेके चल रहे हैं,
और ऑब्वियसली ओबीसी और जो अदर वो है क्या कहते हैं एस सी एस टी वगैरह, उनमें थोड़ा मार्क्स कम हो जाता है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर हम प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करें 2021 आईपीएस पीओ की, तो वो रहा है 50.5, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको 100 में से 50 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना ही करना है। एक्चुअली लास्ट ईयर वैकेंसी स्कोर 41 एंड समथिंग रही, कट ऑफ हमने देख रहा है कि मतलब 50-51, यानी कि अगर हम रेंज रखते हैं तो 50 से 55 के बीच में कट ऑफ रहा, लेकिन इस साल वैकेंसी 2000 ज्यादा आई है और भी बढ़ सकते हैं। ट्रेंड एक्चुअली ये रहा है कि जैसे वैकेंसी अगर कम होती है तो कट ऑफ ज्यादा ज्यादा जाता, और वैकेंसी अगर ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि उतने बच्चे जो है हमें सेलेक्ट करने होते हैं मेंस के लिए। और मुझे नहीं लगता कि वैकेंसीज तो कितनी भी हो बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो कम नहीं, वो कम नहीं होते। इस वजह से यही रीजन है कि आपका कट ऑफ जो वेरी कर रहा होता है वो इसी वजह, क्योंकि आपको ज्यादा कैंडिडेट में से कम कैंडिडेट चूज करने तो ऑब्वियसली आपको कट ऑफ ज्यादा रखना ही होगा, ठीक है। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो हमें लगता है कि 55 से 60 के बीच में होगी, 60 भी हो सकती है, 55 से 60 के बीच में होगी। बाकी एक बार एक प्री एग्जाम हो जाएगा तो एक बार फिर से हम एनालाइज करेंगे उस चीज को कि कितने बच्चों ने क्या अटेम्प्ट किया नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग हम फिर से एक डाटा देंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि 55 के राउंड कट ऑफ जो है वो रह सकता है इस बार। बिल्कुल, अभी आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आप माइंड में एटलीस्ट ये रखो कि 60 मार्क्स तो मुझे स्कोर करना ही करना है। 60 प्लस आपको आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा। बैंक एग्जाम्स में अगर प्री दे रहे हैं आप, आईबीपीएस या एसबीआई कोई भी दे रहे हैं, तो हमेशा 60-65-70 आपका टारगेट होना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन का लेवल और आपकी प्रिपरेशन ऐसी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप 60-65 तो स्कोर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी प्रिपेयर करके जाते हो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है एग्जाम हॉल में, जो एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से चीजें होती हैं, या आपका थोड़ा बहुत नर्वस हो जाते हो या थोड़ा माइंड मेकअप वैसा नहीं हो पाता, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कई बार। तो इस वजह से आप इतना तो प्रिपेयर करके चलो कि आपने 60 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है, ठीक है। अभी हमने ओवरऑल कट ऑफ की बात करी थी 50-55.5, अब हम इंडिविजुअल देख लेते हैं कि इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो 10 मार्क्स था, क्वांट में 9 मार्क्स और रीजनिंग में भी 10 मार्क्स, तो इतना ज्यादा नहीं है जो सेक्शनल कट ऑफ है, बट ओवरऑल अगर आप सेक्शनल कट ऑफ को ऐड करोगे तो आपके टोटल 29 मार्क्स हो रहे हैं, बट आप ओवरऑल देखो तो 51 मार्क्स के अराउंड है। तो गाइज इससे आप समझ सकते हो कि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ही जरूरी नहीं है, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ और ओवरऑल सेक्शन कट ऑफ भी आपने क्लियर कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो सेक्शनल कट ऑफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, मतलब एक हमारी भी एक जर्नी हुई है, तो इसमें हमने एग्जांपल्स देखा ऐसा कि काफी ऐसे बच्चे थे, स्टूडेंट थे हमारे कलीग्स रहे हैं, कि उन्होंने मैथ रीजनिंग में स्कोर कर लिया लेकिन इंग्लिश का कट ऑफ वो पार नहीं कर पाए। तो वो रीजन होता ना यार, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत वो उस पे ही फोकस ज्यादा करते हैं, तो कई बार किसी क्वांट अच्छा तो उसने क्वांट पे बहुत अच्छा स्कोर किया बट इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उस पर फोकस नहीं करते, उनको लगता है यार चलो हम तो क्वांट में स्कोर कर लिया। तो एग्जैक्टली, तो आपको हर सब्जेक्ट पे उतनी ही टाइम देना पड़ेगा, उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम्स, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल कट ऑफ्स की बात हमने कर ली, और इस बार की अगर हम बात करें तो आप 12 से 15 के बीच में मान के चलो, मैक्सिमम 15 मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, बट एटलीस्ट 10-12 मार्क्स ईच सब्जेक्ट आप रख सकते हो सेक्शनल, मतलब अगर सेक्शनल कट ऑफ जाएगा तो 10 से 12 नंबर ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये हम लास्ट ईयर का था, अब इसको बेस बना के आपको अपने नेक्स्ट इस साल की प्रिपरेशन को बनाना है। Exactly. तो अगर सोनू हम इस बार की बात करें तो सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है, ये हमने बता दिया। एक गुड अटेम्प्ट बच्चों के लिए क्या होगा? गुड अटेम्प्ट्स हमेशा हमेशा एक बैंक एग्जाम जब भी आप लोग दे रहे हैं तो गुड अटेम्प्ट 65-70 65-70 आपको विद एक्यूरेसी हमेशा अटेम्प्ट करना होगा। एग्जैक्टली, तभी आप एक सेफ साइड रहेंगे, और कट ऑफ मान लो कितना जाएगा, 60 जाएगा, तब भी आप क्वालिफाई करोगे। 55 का रहा तब भी अटेम्प्ट करते, लाइक 5% हम उसमें मान सकते हैं कि चलो यार ठीक है 5% मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी नहीं हो पाती है कई बार स्टूडेंट्स की टाइमिंग के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, बट जो हम इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट 60-65 मार्क्स का आपका होना चाहिए, यही गुड अटेम्प्ट है। 60-65-70 के अराउंड अगर आप करते हो, 60-70 के बीच में, ये आपका बहुत ही गुड अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट, इनफैक्ट आप क्वालिफाई भी कर जाओगे अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन रखी है तो। 65 प्लस अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी अगर है तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और 65 अटेम्प्ट करने के लिए, 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप सेक्शनली देखो, तो गाइज हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे सोनू सर, एक बार जब हम डिटेल में इसकी प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट वीक वीडियो बना रहे हैं, बट अभी भी एक हिंट मैं आपको दूं कि क्वांट है, क्वांट में एटलीस्ट 25-30 मार्क्स का आपको करना होगा, रीजनिंग भी आपका 25-30 के बीच में हो,
थोड़ा वो ऊपर नीचे चल सकता, आप 25 भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इंग्लिश में जो आपका 30 मार्क्स का है उसमें एटलीस्ट आपको 25 टू 30 का स्कोर करोगे 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट 25% भी 25 क्वेश्चंस भी करो. तो गाइस अगर इस हिसाब से आप करते हो तो भी आपके 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं. अब आपके दिमाग में एक टारगेट आपको हमने दे दिया कि आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. अब आपको अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए विद एक्यूरेसी. क्यों सुनो, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आपको सेक्शन वाइज इंग्लिश क्वांट रीजनिंग किस तरीके से करना है ताकि आप हर एक सेक्शन में 25 प्लस अटेम्प्ट कर पाए. जो हमारे नेक्स्ट वीडियो के सुनो वो यही होगी कि लास्ट लाइक 60 डेज में कैसे बैंक एग्जाम क्वालिफाई करें. Exactly, तो जो भी हमें ट्रिक्स आती हैं, टिप्स पता है, टेक्निक्स पता है, जो हम डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ हमेशा और जिससे उनको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता ना कि अब सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहे होते हैं. आपको उस पार्टिकुलर चैप्टर को, उस पार्टिकुलर टॉपिक को फोकस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने अटेम्प्ट को रखते हैं. बहुत सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप डिटेल में 70 प्लस अटेम्प्ट अपने आप डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल अचीव कर पाते हैं. तो ये तो गाइस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी IUTS बैंक PO की, नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और आपकी कट ऑफ की बात होगी. अब हम स्ट्रेटजी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एक तरह से इस जंग की आगाज हो गई है, ठीक है. हम आपको यहाँ पे एक नोटिस देने आ गए थे कि चलो ठीक है वैकेंसी आ गई गाइस, एक बार हाँ बिल्कुल. और नेक्स्ट वीक में जब ये वीडियो है उससे पहले ऑलमोस्ट आप ट्राई करो कि आप अपने फॉर्म फिल कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये फॉर्म फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. बहुत सारे लोग कैजुअली लेते हैं और उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो प्लीज बहुत सुकून से, बहुत ध्यान से एक-एक पॉइंट को पढ़ के समझ के फिर आप फॉर्म फिल करो. सारी चीजें डिटेल्स जो हैं, चाहे वो फोटो अपलोडिंग को लेके है, चाहे वो डिक्लेरेशन आप वहां पे देते हैं, वो चीजें हैं, सिग्नेचर है या जो भी डिटेल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैंक्स लोग सेलेक्ट करते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप जब प्रेफरेंस आप जो रखेंगे वहां पे, ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ बैंक्स जो आप डाल रहे हैं वहां पे की ठीक है, किस बैंक को मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, तो वो एक बार देख लीजिएगा क्या एनवायरनमेंट है बैंक का, किस पोजीशन पे अभी इकोनॉमी में वो बैंक चल रहा है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अपने अकॉर्डिंग वो चीजें एनालाइज करके आप सभी लोग सबका अपना अपना क्राइटेरिया. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बैंक को सेलेक्ट करने का, वो तो मुझे लगता है नंबर ऑफ वैकेंसीज होनी चाहिए. एग्जैक्टली, जितनी ज्यादा वैकेंसीज है आप गाइस उसको प्रेफरेंस दो, बाकी चीजें गवर्नमेंट जॉब सही बैंक में लगभग सेम हाल चलता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज होनी चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो. ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए और प्लीज स्टार्ट करो फॉर्म फिलिंग वगैरह. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें विद इन लिमिटेड टाइम. ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी, प्लीज देखना ना भूलिएगा. एंड आज की वीडियोस के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर आपके फॉर्म फिलिंग के लिए. थैंक यू गाइस.